नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाटिका चैनल में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नींबू के इस्तेमाल से होने वाले अनगिनत फायदे के बारे में। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने दैनिक खानपान में अगर आप नींबू का उपयोग करें तो आपके स्वास्थ्य पर इसका कितना फायदा हो सकता है और साथ ही किन किन बीमारियों से बचाव हो सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नींबू में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। एक नींबू में विटामिन ए एक भाग, विटामिन बी दो भाग और विटामिन सी तीन भाग पाया जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके और क्या क्या फायदे हैं, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर रात्रि में लेने से कब्ज दूर होती है। नींबू के रस में अदरक का रस मिलाकर और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर पीने से पेट दर्द में राहत मिलती है। या पेट में गैस अधिक बनने पर एक गिलास पानी में एक नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक और थोड़ा भुना पिसा जीरा मिलाकर पीने से पेट को आराम मिलता है। गर्मियों में नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से गर्मी शांत होती है। स्वस्थ व्यक्ति भी अगर नियमित रूप से नींबू का सेवन करता रहे तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। भोजन के बाद नींबू का टुकड़ा चूसने से पाचन क्रिया में भी मदद मिलती है। नींबू में विटामिन सी की प्रचुरता होने के कारण हमारे गुर्दे, आंत और फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। पीलिया के रोगियों को नींबू का रस, पानी और शक्कर मिलाकर देने से बहुत लाभ होता है। जी मिचलाने, चक्कर आने और उल्टी आने पर एक गिलास पानी में एक नींबू का रस, थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक मिलाकर डेढ़ डेढ़ घंटे के अंतराल पर रोगी को देने से उसे बहुत फायदा होता है। सब्जियों और दालों पर नींबू निचोड़कर खाने से सब्जियों के स्वाद और पोषकता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। नींबू का रस पूरे शरीर की सफाई करता है और पेट के कीड़ों को भी मारता है। नींबू दांतों की भी सुरक्षा करता है। अगर नींबू के रस में थोड़ा सा नमक और दो बूंद सरसों के तेल मिलाकर दांतों पर रगड़ें तो दांत चमकदार होते हैं। साथ ही नींबू के छिलके को भी कुछ दिनों तक नियमित दांतों पर रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है और दांत चमकने लगते हैं। हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को दिन में 3 बार नींबू पानी पीना बहुत ही लाभदायक होता है।
नींबू के रस में सेंधा नमक मिलाकर कुछ दिन नियमित रूप से पीने से पथरी भी गल जाती है। नींबू की पत्तियां चूसने से हिचकी बंद हो जाती है। दोस्तों, नींबू हमारे शरीर के साथ साथ त्वचा की कोशिकाओं और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। सर्दियों में कोमल त्वचा के लिए ग्लिसरीन और गुलाब जल में नींबू का रस मिलाएं और खुली त्वचा पर लगाएं, त्वचा एकदम कोमल और मुलायम रहेगा। बालों के लिए भी ये नींबू बहुत ही फायदेमंद है। बालों में शैम्पू करने के बाद चाय पत्ती और नींबू के रस से बालों को धोएं। इससे आपके बाल चमकदार होंगे और आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसको बनाने के लिए 5 से 6 कप चाय पत्ती का पानी तैयार कर लें और ठंडा होने पर उसमें नींबू का रस मिला लें। इसे बालों पर शैम्पू करने के बाद ही इस्तेमाल करें। शरीर की फालतू चर्बी को कम करने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस और 2 छोटे चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन खाली पेट पिएं, तो 2-3 महीने में आपकी काया छरहरी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में दर्द और बदहजमी होने लगती है, तो ऐसे में नींबू को आधा काटकर उस पर काला नमक, काली मिर्च और हींग छिड़क कर तवे पर हल्का सा सेक लें। इसे चूसने पर आपको खट्टी डकारों से निजात मिल जाएगी। गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़ कर पीने से सर्दी और खांसी में भी आराम मिलता है। 1 गिलास उबलते हुए पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुकाम में लाभ होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नींबू के रस से दूध फाड़कर अगर पनीर बनाया जाए तो पनीर अधिक पौष्टिक होता है। दोस्तों, देखा आपने कि नींबू आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, किस तरह इसमें सेहत का खजाना छुपा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और निश्चित तौर से आप इससे लाभान्वित होंगे। निरंतर नई जानकारियों के लिए आप अपने इस कम्प्लीट हेल्थ केयर चैनल हेल्थ वाटिका को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे हेल्थ वाटिका के अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय।